नमस्कार, दनिश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। सर, जानते हैं यदि कोई मुखिया जीतने के बाद विकास ना कर रहा हो, काम ना कर रहा हो और जीतने के बाद लूट, भ्रष्टाचार और दबंगई को बढ़ावा दे रहा हो, जैसे वर्तमान की घटना, तो उससे 5 वर्ष से पहले पदमुक्त कैसे किया जाए, इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो आइए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। तो जानते हैं, अगर कोई भी मुखिया हो, अगर जीतने के बाद उसे लगता है कि सो ही सर्वे सर्वा है और आपको विकास न करे, दबंगई बतियाए और लूट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है। इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाना। जैसे बाकी के सरकारों के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव आता है, उसी तरीके से एक मुखिया के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो ग्राम सभा लाती है। और हम लोग जानते हैं कि ग्राम सभा में जितने सम्मानित वोटर होते हैं पंचायत के, वो ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य होते हैं। यदि 50% या 50% से अधिक लोगों को ये लगता है कि जो मुखिया काम किया है वो गड़बड़ किया है, दबंगई बतियाया है, कोई बड़ा घोटाला किया है, तो इन कारणों सहित आपको एक नोटिफिकेशन को तैयार करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये मुखिया जो है, मुखिया को आप हटाना चाहते हैं, कौन कौन ऐसे कारण हैं जिसके कारण मुखिया दबंगई बतिया रहा है, और वो कारण आपको उस नोटिफिकेशन में लिखना पड़ेगा कि यही वजह है जिसके कारण मुखिया को हम हटाना चाहते हैं। अब नोटिफिकेशन तैयार करने के बाद क्या होगा? उस नोटिफिकेशन को तैयार करने के बाद आप ब्लॉक लेवल पर BPRO के पास उस नोटिफिकेशन को दीजिएगा। अब ये BPRO क्या होता है? तो ब्लॉक लेवल पर एक ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, मतलब ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, पंचायती राज पदाधिकारी इसको बोलते हैं। अब नोटिफिकेशन देने के बाद क्या होगा? नोटिफिकेशन देने के बाद 30 दिन के अंदर जो पंचायती पदाधिकारी हैं उस पंचायत में आएंगे और ग्राम सभाएँ लगाएंगे और जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको सुनाएंगे कि इस पंचायत से जो अविश्वास प्रस्ताव आया है क्या वो सच है या गलत है। अगर प्रस्ताव सच और सही हुआ तो उसी प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। वोटिंग कौन करेगा? तो वे लोग करेंगे जिन्हें लगता है कि इस पंचायत के जो मुखिया है वो जो है गड़बड़ किया है। अब यदि एक पंचायत में मान लेते हैं 1000 लोग हैं और उसमें से 700 लोग ही मौजूद हैं, तो 700 का 2/3 यानी 2/3 अगर वोट, लगभग 601 या 602 होगा, इस पक्ष में पड़ जाए कि जो मुखिया है वो गड़बड़ किया है, दबंग किया है, भ्रष्टाचार किया है या कोई काम ढंग से नहीं किया है, तो उसी वक्त उस मुखिया को पद मुक्त किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यदि जीतने के बाद कोई भी मुखिया अगर ये समझते हैं कि अगर उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अगर कोई लोग अगर इतना काम कर सकता है अगर मुखिया को हटाने के लिए, तो फिर आप एक पंचायत के जिम्मेदार और एक जागरूक नागरिक हैं। वैसे अगर आप हमारे चैनल दैनिक पत्र पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।